जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। आज हम बात करेंगे खाना खाने के बाद नहीं पिए इन चीज़ों को, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है आपको स्वस्थ रखने के लिए। बिजी लाइफस्टाइल की वजह से दोस्तों हर कोई कोई ना कोई बीमारी से परेशान है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, PCOD और अनेक बीमारी से कोई ना कोई परेशान रहता है। ये बीमारी आपके खान पान से ही जुड़ी हुई रहती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि शरीर को पोषक मिलने के से ही आपका शरीर अच्छे से काम कर सकता है और वो आपको अच्छे खान पान से ही मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय पर पौष्टिक भोजन कर लेने से आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आपको अच्छे से पौष्टिक नहीं रह सकते? जी हाँ दोस्तों, खाने के बाद भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। फूड कॉम्बिनेशन शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो आपको अच्छी तरीके से पोषक तत्व दिलाने में मददगार होता है, खासकर आप भोजन लेते उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम आपको कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जो आपको खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं सेवन करनी है। तो आइए हम जान लेते हैं आपको खाना खाने के बाद क्या नहीं खाना है। सबसे पहले आपको खाना खाने के बाद चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद आपको चाय और कॉफी बिल्कुल भी नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आपकी पाचन क्रिया को में रुकावट डालने में बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। डॉक्टर का मानना होता है कि दोस्तों खाना खाने के एक घंटे पहले और एक घंटे बाद आपको चाय और कॉफी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कॉफी में कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आपके आयरन को सोखने की प्रक्रिया को में बाधा डाल देते हैं और ये उसकी रुकावट को 87% घटा देते हैं, जिससे आपकी पाचन में दिक्कत बढ़ जाती है और अनेक समस्या हो जाती है, जैसे कि आपको एनीमिया की समस्या होती है, आपके हाथ पे ठंडे की समस्या हो जाती है, आपका सिर दर्द होने की समस्या होती है, सिर घूमने की समस्या होती है, अच्छे से भूख नहीं लगती है, जैसी प्रकार की समस्या होती है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने की आदत है आपको, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको फ्रूट्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। फलों का सेवन खाना खाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस समय आपका पेट अच्छे से भरा हुआ होता है और उसको पचाना में आपके पेट को दिक्कत होती है, जिससे आपको अच्छी तरीके से पोषक तत्व बिल्कुल भी नहीं मिल पाते और आपके पेट में गैस और अनेक प्रकार की समस्या होने लग जाती है। दोस्तों तो आप जितना हो सके आप फ्रूट्स को स्नैक्स के रूप में लीजिए, या तो आप दो मील लेते उसमें अच्छा गैप हो उसके बीच में आप अगर फ्रूट्स लेते तो भी आप इसका सेवन करेंगे तो आपको अच्छे से फायदा मिलेगा, आपको उसके पूरे पोषक तत्व मिलेंगे जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। आपको खाना खाने के बाद ठंडा पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डाइजेशन के लिए दोस्तों पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप ठंडा पानी या बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी का सेवन करते तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से दोस्तों आपका खाना झुंड या गुच्छे में जमा हो जाता है, जिससे आपका डाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है और आपको उसका पोषक तत्व बिल्कुल भी नहीं मिल पाते, जो आपके लिए बहुत ज्यादा खराब होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। एक्सपर्ट की माने तो दोस्तों आपको खाना खाने के बाद आपको गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए या रूम टेम्परेचर में रखा हुआ पानी का सेवन करना चाहिए, वो भी दोस्तों आपको 45 मिनट बाद ही पानी का सेवन करेंगे तब आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों अगली बार से आप ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद आपको थोड़ी देर तक पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा खाना खाने के बाद सिगरेट पीना भी बिल्कुल बंद करें, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना कितना हानिकारक होता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद स्मोकिंग करना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम नामक एक बीमारी हो सकती है, जो आपको अल्सर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण हो सकता है। अब तक की एक स्टडी के अकॉर्डिंग माना गया है कि दोस्तों अगर आप खाना खाने के बाद एक सिगरेट का भी सेवन करते हैं, अगर आप एक सिगरेट भी पीते तो वो 10 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए दोस्तों आज से ही आप खाना खाने के बाद सिगरेट पीना बंद करें, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हमने आपको बताया कि खाना खाने के बाद आपको किन चीजों का बिल्कुल भी नहीं पीना है, जो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ना भूले, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।